सिक्योरिटी का हमारे डायरेक्टर साहब का जैसा ऑर्डर है, हमारी जो परमिशन है, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं हटा लो रेडी, कहाँ पे जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कमरे किराए पे है, वो अफसर बैठा है, सिक्योरिटी गार्ड आती है, मैडम आती है, नीलू मैडम आती है, वही बार बार बोलती है यहाँ से हटा लो हटा लो। कहाँ जाए हम छोटे छोटे बच्चों को लेके, कहाँ कमाए और कहाँ कहे हमारे को रोजगार दिया जाए, हम वहीं बैठ जाएंगे। मेरे तो घर वाला भी बीमार, 15 सालों के खाट में बैठे, जाकर देख लो उसकी दवाइयाँ कमा कमा कर उसकी दवाई ले रही, मैं कहाँ से लाऊंगी। हम तो डेढ़ साल, बच्चे भी मेरे छोटे छोटे हैं, बच्चे बीमार रहे, मेरा 1.5 साल का लड़का पोता हो रहा है, वो अभी कल भी मैं चंडीगढ़ से दवाई ले आई, मैं कहाँ से लाऊं, बिना कमाए कहाँ से लाएंगे हम, जो चाय का काम करा जी बच्चे न दे। नमस्कार, मैं हूं मुकुश तीजर, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल के बाहर, जहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो दुकानदार है, जो शुरू से काफी समय से जो इनका कहना है यहाँ पर दुकान लगाते हैं, चाय बेचते हैं, खाने पीने का जो अन्य सामान है वो यहाँ पर बेचते हैं, और आज अचानक से जो है हॉस्पिटल की तरफ से कुछ स्टाफ आता है और इनको जो है हटाने के लिए यहाँ से बोलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला क्या। भैया यहाँ से कहते हैं हटा लो रेडी, कहाँ पे जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कमरे किराए पे है, कहाँ कमाएंगे। वो अफसर बैठा है, सिक्योरिटी गार्ड आती है, मैडम आती है, नीलू मैडम आती है, वही बार बार बोलती है यहाँ से हटा लो हटा लो। कहाँ जाए हम छोटे छोटे बच्चों को लेके, कहाँ कमाए और कहाँ कहे हमारे को रोजगार दिया जाए, हम वहीं बैठ जाएंगे। कारण इनसे पूछो ना, क्या कारण है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, ये बताओ हमें, हम वही मान लेंगे। वहाँ नीलू मैडम आई थी और सिक्योरिटी गार्ड आए थे हॉस्पिटल की तरफ से। हाँ जी, तो कौन कौन सी दुकानें यहाँ पर लगी हैं? ये सारी ये चाय की दुकानें, ये देखो बर्तन पिला देते हैं नीचे बैठे, यही दुकानें हैं हमारी। कारण नहीं बताया कोई? कारण नहीं बता रहे। पहले भी कभी आए थे? हाँ जी, हर बार आते हैं, हर बार ऐसे करते हैं, कह रहे हैं हम नहीं लगाने देते, हम लगाने नहीं देते, हम लगाने नहीं देते। मेरे तो घर वाला भी बीमार, 15 सालों के खाट में बैठे, जाकर देख लो उसकी दवाइयाँ कमा कमा कर उसकी दवाई ले रही, मैं कहाँ से लाऊंगी। हम तो डेढ़ साल, बच्चे भी मेरे छोटे छोटे हैं, बच्चे बीमार रहे, मेरा 1.5 साल का लड़का पोता हो रहा है, वो अभी कल भी मैं चंडीगढ़ से दवाई ले आई, मैं कहाँ से लाऊं, बिना कमाए कहाँ से लाएंगे हम, ये जो चाय का काम करा जी बच्चे न दे। कुछ नहीं बता रहे, काम ना कहीं मतलब नहीं, जहाँ मर्जी जाओ को यहाँ से। तो अभी कौन सिक्योरिटी गार्ड है? हां जी, भाई भी आए, सिक्योरिटी गार्ड भी थे, या भी थी नीलम मैडम, नीलम मैडम 4-5 साल से बैठे हैं जी यहीं पर, ये बेचारे गरीब हैं, 6 साल हो गए हमारे सारे मालूम रह के मकान है, कहां जाए, ठीक उठा उठा के आते हैं, यहां सामान उठाओ नहीं तो मंदिर ले जाएंगे, उठा के ये है वो है, सामान नहीं मिलेगा। हां जी, सबके साथ ये हाल है जी, बुरा हाल कर रखा जी यहाँ तो बहुत ज्यादा। पहले बैठे रहे इतने दिन, जब तक तो कभी कुछ बोला ही नहीं, अब मान लो बेचारे सारे मान लो गरीब बंदे हैं जी, कहाँ जाए, हमने ये बोला भी चलो यहाँ तक कहीं तक भी जगह दे दो हमारे को, भी यहाँ तक लाउड है वहाँ तक लगा लेंगे, नहीं तो उन्होंने कहते नहीं नहीं हमको नहीं पता, कहीं मर्जी जाओ या ना जाओ हमारा कोई मतलब नहीं है उसमें। इतने दिन हो गए जी, मरीज भी तंग होते हैं जी बेचारे, मरीज भी यहीं आके बोलते हैं भी ये बेचारे कहाँ जाएंगे, अगर हमारे को चाय पानी की लोड पड़ती है तो चाय पानी तो इनसे लेंगे और कहाँ जाएंगे, अगर जो हम हमारे को देखो सामान का देखो क्या कर रखा जी, अभी हम भूखे मरेंगे भाई, फिर यहाँ हमारा कुछ खाना नहीं मिलता, रोटी नहीं है, चाय तो मिल लग रही है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सामान हटाने के लिए इनको कहा गया, देख सकते हैं कि इनका कहना है काफी 4-5 सालों से जो यहाँ पर अपनी रोजाना जो है दुकान लगाते हैं, लेकिन आज अचानक से जो है हॉस्पिटल की ओर से कुछ स्टाफ आता है, कुछ सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, अचानक से जो इनको हटाने के लिए जो है सबको कह दिया जाता है, और उसके बाद जब यहाँ पर पहुंचे तो फिलहाल स्टाफ जो है अंदर वापसी जा चुका है, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ पर दुकानदार जो है जो दुकान लगाते थे वो काफी जो है परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कितने लोग आए थे, क्या कुछ कह रहे थे, कुछ नहीं कह रहे, आज कह रहे लात मारेंगे तुम्हारे बर्तनों को, नीचे फेंक देते हैं। लीलू मैडम आती है सबसे आगे, वही करवाती है सारी शरारत, वही करवाती है। कौन है? लीलू मैडम है अंदर की, सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ जी, तो अभी कहाँ मिलेंगे? वो बैठे अंदर ऑफिस में बैठे, कह रहे सर से बात करो, सर से बात करो, सर जब यहाँ आके बोलेगा जब भी, तो वो कभी बोला ही नहीं सर ने, यही आती है यही जादी वो करती है और कोई नहीं करते हैं। कहाँ जाए, हमारे को भी लगा ले अंदर नौकरी में, हम भी नहीं बैठेंगे यहाँ पे, हमारे बच्चे खाना खा लेंगे रोटी खा लेंगे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कमरे का किराया भर देंगे, सारे काम हो जाएंगे, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ बैठने का, हमारे को शौक नहीं है। तू तो मैडम पढ़ के बैठे है, हम कहाँ जाए, रोड पे भी तुम्हारी हुकूमत है, कहाँ जाए बताओ। निगम ने कुछ नहीं कहा, निगम वाले नहीं कुछ करने वाले, खुद बोल के जाते भी अपने यहाँ बैठो तुम,
रोड पे नहीं होना, नाले पे बैठ जाओ। निगम में आता है, निगम वाले कुछ नहीं बोलते, निगम वाले तो कहते हैं नाले पे बैठ जाओ, भी रोड पे नहीं होना। ठीक है, अब नाले पे बैठते ही उठाते, ये तो उनके अंडर में है भी नहीं, यहाँ से भी उठा के बैठते सामान जी नीचे। ज्यादातर दी और कोई नहीं, इतना वर्दा नीलू मैडम आती है वो ज्यादा तंग करती है। तो एक बार स्टाफ से भी बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। ये आरोप जो है एक तरफ से लगाया जरूर जा रहा है, फिलहाल यहाँ पर जो है कोई भी स्टाफ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक बार अंदर जाकर जो है बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो हॉस्पिटल में फिलहाल हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है या ऑफिसर है उनसे एक बार बातचीत कर रहे हैं। सर कुछ बातचीत हुई थी इनकी? इनकी जो आपस में चाय वाले जो बाहर बैठते हैं मेन गेट पे, हमें इंस्ट्रक्शन है कि ये यहाँ पे रोड पे ना बैठे, जो हमारी परमिशन है इससे बाहर, क्योंकि यहाँ पे क्या है पूरा जाम लगता है जिसकी वजह से पूरा गन बंद हो जाता है यहाँ पे। तो हमने खाली को ये बोला कि आप इससे पीछे लगा लो, बस दैट्स कोई बदतमीजी का आरोप लगाया कि वो तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसमें आ जाएगा, अगर कोई बदतमीजी ऐसी हुई है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो जाम के लिए रेडियो जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली सिर्फ जाम के लिए। और अगर ऊपर लगा लेते हैं फुटपाथ पर? नहीं, वो अलाउड नहीं है ना सर परमिशन के अंदर लगाना, हमें ऑर्डर है रिटर्नली डायरेक्टर साहब की। आप तो गए नहीं वहां तक, तो यहां रोड पे बैठ के क्या करते हैं ये बताओ? नाले की जगह पर पांच साल हो गए की जगह नहीं है ना, तो रोटी तो खा रहे हैं, कोई मैच तो बात मेरी बात सुनोगे आप? हां जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं जब जैसा मुझे ऑर्डर है सिक्योरिटी का हमारे डायरेक्टर साहब का, जैसा ऑर्डर है हमारी जो परमिशन है, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं आप उसे पीछे लगा लो। उधर कोई भी नहीं, एक मेरी बात सुनिए आप, इस दीवार से पीछे अगर आप लगा लोगे तो चाहे तुम वहां पे भी आएंगे लोग फिरने, कौन मना करेगा आपको? क्योंकि अच्छी बात है ना उस हम हमारे ज्यादा। सुनिए आप, अगर आप स्टाफ पे हाथ उठाओगे तो वो तो गलत बात है, एक बात तो बताओ, एक बात सिर्फ मुझे इतना बता दो आप, अगर आप इस दीवार से पीछे लगा लो तो मेरी बात सुनिए आप, उनसे वो भी नहीं वहाँ मिलेगी आपको, वो आज हटवा रहे हैं ना तो उनको भी हटवा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही हटवा रहे हैं, विश्वास कीजिए विश्वास कीजिए उनको भी हटवा रहे हैं। मैं उनको भी हटवा देता हूँ, उनको भी हटवा देता हूँ, ठीक है मेरी बात सुनिए, तब तक हो सकता है यहाँ पे जाननी भी लग जाए, अगर ऐसे ही आप डिस्ट्रीब्यूट बनते रहे तो हो सकता है, क्योंकि जाम है ना रोड पे, जाम होता है पूरी तरह रोड बंद हो जाता है। यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, कितने चाय के कितने कप वगैरह, कितना बुरा हाल हो जाता है। मेरी बात तो सुनो, वो तो सीसीटीवी निकलवा लेते हैं ना, उसमें आपको पता लग जाएगा कि हाँ कब गिरे हुए कैमरा लगा हुआ है, अगर किसी ने लात मारी होगी आपके बर्तनों में तो उसकी उचित कार्रवाई होगी, और बताइए। नहीं देखो सामान तो अगर आप नहीं हटा रहे हो तो आगे तो पीछे रखते जाओ, आप उठा के जब पीछे ही ले गए थे तो फिर वो आपने सामान तो यहाँ पर जो है फिलहाल बातचीत कर जो है बाहर यहाँ पर पहुंचे हैं, और कुछ एरिया जो है इनका कहना है कि एरिया में जो है अपनी दुकान यहाँ पर लगाएंगे, उनसे बातचीत करते हैं। अंदर बातचीत हुई है, अब क्या कुछ फैसला लिया गया? उन्होंने तो कल का टाइम दिया जी, उन्होंने कल का टाइम दिया है, मगर हमारी ये है उनके गेट की है शर्त, गेट पे नहीं जाएंगे हम, यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, हमारी ये शर्त है। कुछ सीमा रहेगी? सीमा हमारी यही रहेगी। अब कारण क्या था जाम का? कारण सर इनका क्या बताऊँ मैं, कुछ कह भी नहीं सकता इस बारे में।
तो पहले भी कोई बातचीत हुई थी? बहुत बारी हुई है, बहुत बारी हुई है। तो हमारा सामान उठा के लात मार्केट से फेंक दिया जाता है कई बार, वो हमारा कारण के गेट का है मेन, हम गेट पे नहीं जाएंगे, यहाँ रहेंगे पीछे। ये नगर निगम की जगह है, इनके अंदर दीवार उधर, हमारी ये रोड पे है, यहाँ नगर निगम उठा सकती है, हमारे को कोई नहीं उठा सकता यहाँ से। तो फिलहाल के यहीं तक रहेंगे, यहीं तक रहेंगे सीमित, इससे आगे नहीं जाएगा कोई भी। आपका नाम क्या है? कुणाल जी। तो देख सकते हैं फिलहाल अब जो है ये कुछ सीमा जो है इनकी ओर से तय की गई है कि इससे आगे जो है ये अपनी दुकान जो है नहीं लगाएंगे, क्योंकि आगे आपको बता दें कि फ्रंट जो गेट पड़ता है कल्पना चावला का, कल्पना चावला स्टाफ का ये कहना है कि वहाँ पर जो है काफ़ी भीड़ हो जाती है, इसके कारण जो है परेशानी कहीं ना कहीं होती है। अब दुकानदारों ने एक फैसला जरूर लिया कि कुछ दूरी पर जो है रास्ता छोड़ दिया जाएगा ताकि किसी को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। हॉस्पिटल के मेन गेट से कुछ पीछे जो है ये अपनी दुकान लगाया करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।